रंगरा प्रखंड में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए निधि संग्रह अभियान प्रारंभ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने श्री राम जन्मभूमि निधि संग्रह अभियान प्रारंभ कर दिया है। इस अवसर पर विभाग कार्यवाहक पंकज ने रंगरा प्रखंड के निवासियों से आह्वान किया है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का पुनर्निर्माण ईश्वरीय कार्य है। इस निर्माण कार्य में समाज के सभी लोगों को तन मन धन से सहयोग करने की आवश्यकता है। प्रांत सह शारीरिक प्रमुख राजीव ने कहा कि राम जन्मभूमि के निर्माण से राष्ट्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा, इसलिए सभी लोगों को मंदिर निर्माण में सहयोग करना चाहिए और राष्ट्र निर्माण के मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। निधि संग्रह अभियान में राजीव नयन, पंकज, अनुपम भारती, विधु शेखर, नीतीश कश्यप और मुकेश चौधरी शामिल हैं। रंगरा पुलिस ने एक साथ चलाया मास्क और वाहन जांच अभियान, बतौर जुर्माना 2200 रुपये की हुई वसूली। रंगरा पुलिस ने थाना क्षेत्र में एक साथ मास्क और वाहन जांच अभियान चलाया है। थानाध्यक्ष महताब खान ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने मास्क नहीं पहने कुल 4 लोगों से 200 रुपये और ट्रैफिक कानून का उल्लंघन करने वाले 2 वाहन चालकों से 2000 रुपये जुर्माने की राशि वसूल किया है। थानाध्यक्ष ने कहा कि पुलिस ने कुल मिलाकर 2200 रुपये जुर्माना वसूल किया है। 1 लीटर देशी शराब के साथ एक गिरफ्तार। रंगरा पुलिस ने थाना क्षेत्र के उसरहिया गांव में छापेमारी कर 1 लीटर देशी शराब के साथ प्रकाश मंडल को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थानाध्यक्ष महताब खान ने जानकारी देते हुए कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने प्रकाश मंडल को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। मामले की प्राथमिकी रंगरा थाने में दर्ज कर ली गई है। दूसरी तरफ पुलिस ने वर्ष 2017 में हुए एक चोरी और धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे आरोपी भीमदास टोला निवासी नरेश मंडल को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हत्या के प्रयास मामले में आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रंगरा पुलिस ने साधोपुर गांव से जोगी यादव के पुत्र सीपक कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। रंगरा के थानाध्यक्ष महताब खान ने जानकारी देते हुए बताया कि सीपक यादव पिछले वर्ष जुलाई माह में हुए एक हत्या के प्रयास मामले में आरोपी है। घटना के बाद से ही वह फरार चल रहा था। पुलिस ने सीपक यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।